नमस्कार। क्या कांग्रेस ने चीफ जस्टिस के खिलाफ महाअभियोग लाकर राजनीति की? क्या सुप्रीम कोर्ट को राजनीति का अड्डा बनाया? पूरा मामला जज लोया की मौत की जांच की मांग पर बना है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को लेकर शक में विरोधियों ने हल्ला किया। सुप्रीम कोर्ट में जांच की याचिका दर्ज हुई। मामले पर रूटीन अंदाज में विचार होना था, लेकिन याचिका को चीफ जस्टिस ने पहले जूनियर जज को फिर अपनी बेंच में लेकर जो किया और चार वरिष्ठ जजों ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो संकेत दिए, उससे लगा सुप्रीम कोर्ट में सब ठीक नहीं। वह सत्ता राजनीति के प्रभाव का अखाड़ा बना है, मानो अमित शाह सब तय करा रहे हों। शक बात बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़ गई कि महाअभियोग आने पर भाजपा ने देश में यह तर्क बना दिया है कि ये राजनीति के चलते हैं। चीफ जस्टिस मंदिर का फैसला करने वाले थे, उसे रुकवाने के लिए महाअभियोग लाया गया। जाहिर है जजों के साथ राजनीति, राजनीतिक एजेंडा चस्पा दिया जा रहा है। सो कोर्ट में भी एक तरफ सरकार भाजपा तो दूसरी ओर विपक्ष व कांग्रेस, राजनीति की प्रतिछाया हो गया है सुप्रीम कोर्ट। इस पर अब मेरी वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा से बातचीत है। पंकज जी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ जो महाअभियोग आया है उसे भाजपा ने राजनीति बताई है कांग्रेस की। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को भाजपा और कांग्रेस का अखाड़ा बनाने की जो राजनीति हुई है, तो उसमें कांग्रेस मुख्य तौर से खलनायक नहीं बनती है क्या? मुझे नहीं लगता कि इसमें कांग्रेस कोई राजनीति करने की कोशिश कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा महसूस होता है तो ये गलत है, इसलिए कि चीफ जस्टिस के बारे में बहुत सी शिकायतें, बहुत से आरोप काफ़ी समय से सामने आ रहे हैं। और महाभियोग, जैसा कि आप भी जानते हैं, एक चरम स्थिति है। जब और कोई चारा न रह जाए तो महाभियोग का सहारा लिया जाता है, और ये कोई पहला मौका नहीं है। नहीं, चीफ जस्टिस के लेवल पर सुप्रीम कोर्ट के उस पर चीफ जस्टिस को लेकर तो ये एक बहुत अनहोनी पहली बात है। चीफ जस्टिस के खिलाफ पहला मामला जरूर है, लेकिन न्यायाधीशों के खिलाफ महाअभियोग लगाना कोई नई बात नहीं है। आधा दर्जन से ज्यादा बार ये हो चुका है। पिछला जो सबसे बड़ा मामला हुआ था वो तो भारतीय जनता पार्टी ने ही 91-92 में उठाया था, और 93 में जस्टिस रामास्वामी पर बाकायदा महाभियोग का मामला चला, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। आज अगर कुछ सांसदों को, सात राजनीतिक दलों को ये महसूस होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपनी जिम्मेदारी जिस तरह से निभानी चाहिए वो नहीं निभा पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में ये बात कह के राजनीति कर रही है कि वो सीधे सीधे चीफ जस्टिस के पक्ष में जाकर खड़ी हो गई है, और इसको दो राजनीतिक धुरियों के बीच का मामला बनाने की कोशिश कर। नहीं, लेकिन इस धुरी के साथ में एक जज लोहिया का केस का जो फैसला आया उसके तुरंत बाद जिस तरह इस बात को उठाया गया, मतलब ये भाजपा की तरफ से भी कि केंद्रीय विधि मंत्री ने, रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी और से माफ़ी मांगने और उस तरह की जो बातें हुई कही गई, उस तब सबसे राजनीति अपने आप बनी ही थी। लेकिन एक तरह से भाजपा बनाम कांग्रेस में सुप्रीम कोर्ट बट रही है, या एक न्यायिक बिरादरी के अंदर भी जिस तरह की घेरेबंदी नज़र आ रही, वो तो अपने आप में बहुत ही त्रासद और विकट स्थिति बनी पहली बार कि उसकी, मतलब न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट को निष्पक्ष रेफरी के बजाय एक पार्टी दोनों मतलब उसमें हिस्सेदार बन जाए, ये तो अपने आप में पहली बार हो रहा है। जस्टिस लोया का मामला भले ही अभी आया हो, लेकिन महाभियोग चलाने की जो तैयारी है और उसकी जो शुरुआत है वो तो कई महीने पहले हो चुकी है, और कई महीनों से सांसदों के हस्ताक्षर हो रहे थे, कई महीनों से ये बात उठ रही थी। ये बात मैं आपकी व्यास जी जरूर इससे सहमत हूँ कि ये एक बड़ा त्रासद मामला है। किसी भी संवैधानिक संस्था को इस तरह के विवाद में नहीं फंसाया जाना चाहिए। लेकिन देखने की बात यह है कि पहली चीज तो संवैधानिक संस्था के लिए ये नौबत आई क्यों कि वो इस तरह के विवाद में फंस गई है, और दूसरा इसमें मैं मानता हूं कि सत्तारूढ़ दल की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरह से संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करे, लेकिन
किसी एक पक्ष की पक्षधर होती हुई न दिखे। सात राजनीतिक दल जो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं, ठीक है कि वो विपक्ष में हैं और ठीक है कि हमारे आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को विपक्ष का दर्जा देने को तैयार नहीं है, वो तो अपने ही लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है तो विपक्ष की बात क्या सुनेंगे, तो ये अलग बात है। लेकिन अगर सात राजनीतिक दल विपक्ष के महत्वपूर्ण और जिम्मेदार राजनीतिक दल कोई मामला उठा रहे हैं तो सत्तारूढ़ दल को उसको बहुत गहराई से और गंभीरता से लेना चाहिए, उस पर विचार होना चाहिए। ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि एक महाभियोग का प्रस्ताव इस तरह से राज्यसभा में भेजा जाए। नहीं, लेकिन वही यहीं से अब फिर से आगे का सवाल है कि क्या आगे की प्रक्रिया राजनीतिक तौर पर होती हुई लगती है, क्योंकि फिर बुनियादी तौर पर खेल ये मतलब एक ये बहस भी अपने आप में होना बहुत अजीब बात है कि क्योंकि ये भी बहस चला दी गई कि मंदिर के मामले में सुनवाई करने वाले थे चीफ जस्टिस, इसलिए उसको रुकवाने के लिए ये इस तरह की बातें, इस तरह की कोशिश हुई, ये इस तरह की बहस, इस तरह का नैरेटिव बनना भी अपने आप में बहुत हैरानी वाला बात। लेकिन क्या अब अगर सभापति के यहाँ या राज्यसभा में इस पर कार्रवाई नहीं तो फिर राजनीति होगी, क्योंकि एक तरह से ये हो गया कि चीफ जस्टिस के पक्ष में या विपक्ष में निजी तौर पर पार्टियाँ अपना रुख बनाती हुई लगती है। अगर सरकार इस मामले में जिद न पकड़ती तो ये मामला बनता ही नहीं। अब ये मामला क्या हो गया है? नहीं, सरकार की जिद किस तरह नजर आती है? सरकार की जिद इस तरह से नजर आती है कि जब ये बात उठी थी कि चीफ जस्टिस के बारे में बहुत से प्रश्न उठने लगे थे, उनके साथी न्यायाधीशों ने प्रश्न उठाए थे, तभी सरकार को इस मामले को ठीक से टैकल करना चाहिए था। आपने देखा कि किस तरह पहली बार इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने खुलकर मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीफ जस्टिस के खिलाफ अपनी बातें कही, ये भी तो इतिहास में पहली बार हुआ। तो एक जिम्मेदार सरकार को इसको उसी वक्त बातचीत करके सुलझाने के लिए कोई मीडिएशन की भूमिका अदा करनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस अपनी जिद पे अड़े हुए थे, वो बाकी न्यायाधीशों से बात करने को तैयार नहीं थे और सरकार ने इस मामले में अपनी कोई भूमिका निभाने से परहेज किया। तो ऐसे में विपक्षी दल क्या करते? तब जाकर के ये नौबत आ गई जो आज एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ये एक सिंबॉलिक ज्यादा हो गया है, प्रतीकात्मक ज्यादा हो गया है। और संविधान में देखा जाए तो चीफ जस्टिस पर महाभियोग चलाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। चीफ जस्टिस को हटाने उसके लिए शब्द है रिमूवल, उसके लिए इम्पीचमेंट का शब्द नहीं है। लेकिन रिमूवल की जो प्रक्रिया है वो तभी पूरी हो सकती है जब या तो लोकसभा के जरिए लोकसभा के 100 सांसदों का हस्ताक्षर करा के या राज्यसभा के 50 सांसदों का हस्ताक्षर करा के राज्यसभा के जरिए एक प्रस्ताव पेश किया जाए। उस प्रस्ताव को यदि सदन के मुखिया, चाहे राज्यसभा के सभापति या लोकसभा की स्पीकर, ठीक समझें तो उसके लिए एक जांच समिति बैठाएंगे कि ये जो आरोप हैं इन आरोपों में कितनी सत्यता है, उसके लिए 3 सदस्यों की समिति बनाई जाती है। और अगर वो समिति ये कहती है कि हाँ आरोपों में प्रथम दृष्टया कुछ दम नजर आता है, तब फिर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के सदन में चलता है और वो अगर 2/3 मतों से पारित हो जाए तब राष्ट्रपति के पास जाता है और होता है। पंकज जी, बातचीत यहीं समाप्त करेंगे, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब पर नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वहां जो घंटी बनी हुई है उसे दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।